Assalamu alaikum. Today I am going to show you how to make chicken sandwiches. Okay, so for the marination of chicken, you need these ingredients: 1/2 kg boneless chicken, 3 tablespoons yogurt, and these spices, 1 teaspoon salt, 1/2 teaspoon mixed spices, 1/2 teaspoon white pepper, 1/2 teaspoon this black pepper, and 1 teaspoon red chili powder, 1 teaspoon coriander powder, 1 lemon, and this is yogurt sauce. How I made this? I put green chilies, garlic, clove, and tamarind water in it. This is how I make this sauce for the sandwiches. So let's do the marination first. First we'll marinate the chicken, and then we'll fry it. सबसे पहले ये चला जाएगा योगर्ट इसमें, ठीक है, दही चला गया, और अब इसमें ये सारे स्पाइसेस जाएंगे, ब्लैक पेपर जाएगी, वाइट पेपर जाएगी, गरम मसाला, सॉल्ट, धनिया पाउडर, और ये रेड चिली पाउडर, ठीक है, सब चला गया, नज़र आ रहा है आपको? अच्छा, अब यहाँ पर लेमन नज़र आ रहा है, मैं ये लेमन स्क्वीज करूँगी, ठीक है, जी, तो लेमन मैंने स्क्वीज कर दिया है, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है, अब इसे मैरिनेट के लिए छोड़ देंगे, ठीक है, इसे हम तकरीबन आधा घंटा मैरिनेट करेंगे, मैं इसे जो है ना फ्रिज में रख दूँगी ताकि इसमें मसाले रच जाएँ, लेमन वगैरह सब कुछ अच्छे से रच जाए, और फिर उसके बाद इसे हम फ्राई कर लेंगे। फिर ये मैंने दही की सॉस तो आपको बता दी है कैसे बनाइए, इसमें कुछ भी मैंने नहीं डाला है, बस इसमें नमक डाला है और ग्रीन चिलीज़ को उसका पेस्ट डाला था मैंने, और इमली का पानी डाला है, बस इस तरह बनाइए, मैंने दही के अंदर ये सब डाला है, ठीक है, ये बहुत मज़े की लगती है सैंडविचेस के साथ, आप चाहें तो कैचअप और बाकी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, तो कभी कभी थोड़ा डिफरेंट खाना चाहिए। अच्छा, ये मैरिनेट के लिए रख देती हूँ मैं इसे फ्रिज में, और सॉस को भी हटा देती हूँ यहाँ से, और जब ये आधा घंटा हो जाएगा इसको फ्राई करेंगे, फिर बाकी चीज़ें दिखाती हूँ आपको, बंस वगैरह, और फिर उसके बाद बाकी का प्रोसेस करते हैं। जी, तो ये चिकन हमारी मैरिनेट हो चुकी है, अब इसे जो है ना सामने मैंने तेल गरम करके रख दिया है, इसे फ्राई करने लगी हूँ मैं, देखें, इसको मैं फ्राई कर लूँगी, ठीक है, अच्छे से, और जब ये फ्राई होगी तो फिर आगे की प्रोसेस, आगे का जो भी प्रोसेस है फिर वो बताती हूँ मैं, वो स्टार्ट करते हैं, पहले ये अच्छे से फ्राई हो जाए, ठीक है, इसका मैं आपको फ्राई होने के बाद दिखाती हूँ, अभी इसको कवर करके रख दूँगी। जी, तो चिकन हमारी फ्राई हो गई थी, ठीक है, तो मैंने उसको प्लेट में निकाल लिया, छोटे छोटे पीसेस में भी कर लिया, ठीक है, अब यहाँ पर ये दही वाली चटनी है जो मैंने आपको बताया था कि मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली थी पीस के, नमक डाला था और इमली का पानी डाला था, ठीक है, तो आप लोग भी इसको इसी तरह बना लीजिएगा। यहाँ पे ये सैलेड रखी हुई है, अनियंस हैं, और ये मायोनीज़ और केचप है, ठीक है, तो अब इसकी असेंबलिंग करना शुरू करते हैं। ये मैंने लॉन्ग बंस लिए हैं, ठीक है, इसे मैं तो समोली कहती हूँ, आप लोग क्या कहते हैं, तो ये वाले बंस आप लोग ले लीजिएगा, अवेलेबल है, आराम से मिल जाते हैं बाज़ार में। चले, तो अब इसकी असेंबलिंग देखें, असेंबलिंग करते हैं इसकी, फिर ये रेडी हो जाएंगे। ये देखें, ये दही की चटनी, आप लोग को जो, अगर आप लोग को कोई और चटनी लगानी है, बनानी है, कोई भी चटनी, मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है इसके साथ, तो इसलिए मैंने ये बनाई है, अपने लिहाज से आप लोग मिर्ची एडजस्ट कर सकते हैं।
ये देखिए, घर में सैंडविचेस बनाने का फ़ायदा यही होता है जितना चाहे चिकन डाल ले। और अब टोमेटोस, ये एक सैंडविच हमारा रेडी हो गया। अब इसी तरीके से इसमें मैं थोड़ी सी और जो है ना ऊपर से ये डाल दूंगी सॉस। जी तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चिकन सैंडविचेस हमारे रेडी हैं और कोल्ड ड्रिंक भी रेडी है, सब कुछ रेडी है। अब बस इसे खाना है, ठीक है। तो फिर अब मैं इसे जो है ना कट करके दिखाती हूँ और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है, ठीक है। बहुत झटपट भी बन जाती है, चिकन को आपने फ्राई करना है। और ये तो अवेलेबल होते हैं बाहर से, बंस, लॉन्ग बंस, समोली आप लोग ख़रीद सकते हैं, तो ये जल्दी बन जाती है। जी तो अब मैं इसे जो है टेस्ट करके दिखाने लगी हूँ, आप लोग देखें, यम, ठीक है। तो अब मैं इसे टेस्ट करके बता दूँगी कैसा बना है। बहुत मज़े का बना है, आप लोग उसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं इसे एंजॉय करने लगी हूँ, आप लोग भी बना के ज़रूर इसे एंजॉय करिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।